व्हाट्स अप गाइस, आशीष वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में बताने वाला हूँ बैक हैंड स्प्रिंग टू बैक फ्लिप के बारे में, जो कि मेरी ऑल रिक्वेस्ट में से एक है। फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, नया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, 15,000 होने ही वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैक हैंड स्प्रिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर। मीन्स आपका ना ज़्यादा इनसाइड हो ना ज़्यादा आउटसाइड हो, एक प्रॉपर मेंटेन में रहे आपकी फ्लिप, तो ये ज़्यादा बेटर है। और अपनी बैक फ्लिप को भी कंप्लीट कर लीजिए कि कहीं भी कर सके। तो स्टेप नंबर वन, सबसे इजी चीज़, आपको क्या करना है, आपको बैक हैंड स्प्रिंग करनी प्रॉपर और ऊपर जंप लेना है, प्रॉपर ऊपर जंप। और जब आप बैक फ्लिप करो, आपकी ये प्रैक्टिस और प्रिपरेशन के लिए बता रहा हूँ, और जब भी आप बैक फ्लिप करो तो अपने हैंड्स को पीछे ले जाने की जगह हैंड्स को सामने रखो और फिर फ्लिप मारो। समझ रहे हो थोड़ी बात? तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैक हैंड स्प्रिंग करना, आपको दो बैक हैंड स्प्रिंग करना है सिंगल, एंड सेकंड होनी चाहिए आपकी हाई जंप के साथ। आपको क्या करना है, आपको बैक हैंड स्प्रिंग करना है और आपको सेकंड भी बैक हैंड स्प्रिंग करना है। बट आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बैक फ्लिप टाइप का फोर्स लेना और ऊपर जंप लेना है। लाइक दैट। तो यहाँ पे मैंने ये करा कि बैक हैंड स्प्रिंग करा और सेकंड भी बैक हैंड स्प्रिंग करा, बट यहाँ पे ट्राई करा कि मैंने थोड़ा ऊपर फोर्स लिया ताकि मेरे से फ्लिप थोड़ी हो जाए। अब ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ करने की। स्टेप नंबर टू, आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप बैक हैंड स्प्रिंग प्रॉपर कर लिया आपने, आपकी बैक फ्लिप भी प्रॉपर है, तो आपको यहाँ पे ये करना है, बैक हैंड स्प्रिंग, हैंड सामने और उसी हैंड्स को पीछे एंड बैक फ्लिप। ईजी है, थोड़ा सा हल्का सा डर लगेगा अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो, नहीं तो यू कैन डू इट ईजली। बैक हैंड स्प्रिंग कर रहा हूँ और उसी हैंड्स को ऊपर लेते जाते जाते बस फ्लिप कर दी। तो आप अगर डायरेक्ट फ्लिप कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा, बट ट्राई करते रहिए, हो जाएगा। तो सबसे ईजी स्टेप यही है, बैक हैंड स्प्रिंग, देन हैंड सामने एंड पीछे फ्लिप। स्टेप नंबर थ्री, मैंने जितनी भी रेसिपी बताई है उसको एक कढ़ाई में डाल के सब्जी बना के खा लीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जितना मैंने प्रोसेस बताया आपको वो सबको एक साथ करना है। आपको बैक हैंड स्प्रिंग करना है, जो ऊपर जंप मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो, और बैक सेकंड स्टेप में जो बैक हैंड स्प्रिंग लिया था हाथ डायरेक्ट पीछे गए थे वो, और यहाँ पर आपको सबको मिक्स करना है। आपको बैक हैंड स्प्रिंग करना है, जो आपने जंप लिया है उसी में आपको फ्लिप करना है। तो आप यहाँ पर यही करिए, जैसे आपकी बैक हैंड स्प्रिंग हुई, जंप लीजिए, पैर पकड़िए और घूम जाइए। अगर आपको बैक फ्लिप आती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्लिप कहीं से ही मार सकते हो।